Yes, this is definitely the smallest thing we have reviewed and tested at 91 Wheels. मैं हूं बनी पुनिया और इस मार्वल का नाम है प्रोटोस. नाउ पर्सनल मोबिलिटी स्पेशली लास्ट माइल कनेक्टिविटी इन द लास्ट यू ईयर्स काफ़ी पॉपुलर हुई है. एट द सेम टाइम कुछ सिचुएशंस आती हैं जहां पे आपको एक छोटा अफोर्डेबल इजी टू यूज़ इजी टू कीप इजी टू रन टू व्हीलर पार्टनर चाहिए होता है. फॉर एग्जाम्पल लार्ज कॉम्प्लेक्सेस या लार्ज कैंपसेस या एक बड़ा रिजॉर्ट या आईटी पार्क्स जहां पे आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो पोर्टेबल हो, जो फोल्डेबल हो, जो बहुत सस्ता हो. प्राइसिंग के मामले में दिस इज़ 44,444, जी हाँ 44444. डेली एनसीआर के अंदर आपको उसकी मिलेगी फ्री डिलीवरी, आप कहीं भी हैं. एंड सच में इन द लास्ट फ्यू डेज जो हमने टाइम इस पर स्पेंड करा है मैंने मेरे टीम मेंबर्स ने, हम इस चीज़ से बहुत ही इम्प्रेस्ड हैं. Now, just for reference, guys, I stand 6 feet tall, and this is the kind of size this one has. हल्की ज़रूर है, 17.5 किलो की है, तो अगर आपको कहीं जाना है, it is not very heavy. Fold होके ये और भी portable बन जाती है. Seat इसकी एक आपको मतलब this is a add-on जो आप निकाल सकते हैं. आपको सिर्फ खड़े होकर चलाना है, very easy. आपको tool kit मिलती है, उसके help से आप 4 screws खोल के seat को निकाल सकते हैं and keep it at home, very sorted. जो उसका हैंडलबार पोजीशन है दैट कैन बी टेकन अप. अभी करंटली ये अपने लोएस्ट पोजीशन के अंदर है एंड सुपर इजी. यहाँ से इसको अनप्लग कीजिए, पुट सम वेट एंड ये ऊपर आ रहा था. सो इवन फॉर अ टॉल पर्सन लाइक मी, इसको फंसा रहा हूँ, फंस गया. इवन फॉर अ टॉल पर्सन लाइक मी दिस इज़ एक्चुअली क्वाइट नाइस. मैं हूँ 105 किलो का हेल्दी बिल्ट एंड ये बना है फॉर पीपल अप टू 115 kgs. सो अगर आपको आप मेरी तरह हेल्दी हैं, नो वरीज, इट कैन टेक केयर ऑफ दैट. इसको चलाया था मेरे टीम मेंबर जतिन ने फॉर द शूट एंड एज यू कैन सी इन द वीडियो, फॉर अ पर्सन ऑफ जतिन्स हाइट इट डज द जॉब वेरी वेल. इसके अंदर सस्पेंशन भी है विच एक्चुअली वर्क्स. इफ आई स्टैंड ऑन दिस यू कैन मेक आउट सस्पेंशन है इसके अंदर. आगे वाले पहिए के अंदर आप हवा भरते हैं, फीचा एक सॉलिड रबर है, मोटर भी फीचर इसकी आती है. सो ये है इसके साइज के बारे में, 6 feet टॉल और ये यहाँ तक आ जाता है. इसके अलावा आपको इसमें एक छोटी सी लाइट मिलती है जो यहाँ से होती है ऑपरेट एंड यू हैव 2 pilot lamps जो नीचे राइट साइड से ऑन करेंगे तो लैंप ऑन हो जाएंगे. उसके साथ आपका रियर टेल लाइट भी ऑन हो जाएगा. आपको घंटी मिलती है यहाँ पे एंड एन इलेक्ट्रॉनिक हॉर्न ऑल्सो ऑन दिस साइड. लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो आपकी ब्रेक होती है, इसे दबाएंगे तो आप रुक जाएंगे एंड राइट साइड से आपको होता है एक्सीलरेटर. नाउ ये एक्चुअली बहुत क्लेवर मशीन है. मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, यू कैन फ्रॉम अ यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू कंट्रोल अ लॉट ऑफ फंक्शंस. जो राइट साइड पे छोटा सा डिस्प्ले है उसके अंदर सिर्फ आपकी स्पीड नहीं आती, आपका बैटरी जो लेफ्ट है वो नहीं आता, आपने कितनी गाड़ी चलाई है वो नहीं आती, बट मोड एंड पावर बटन इस्तेमाल करके आप बहुत सारे फंक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इसके अंदर स्पीड का लिमिट है. अगर आपको ये देना है किसी को जो फर्स्ट टाइम चला रहे हैं या यंग अडल्ट्स या टीनएजर्स, तो यू कैन कंट्रोल द स्पीड टू 10 या 12 km/h. बट अगर आप यूज टू हैं, आप अनलॉक करके इस पे एज हाई एज 30 km/h जा सकते हैं, जो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हमने इस पे 30 km/h स्पीड हिट की थी. इसके अलावा रीजन कितना करना है, यस रीजन भी है इसके अंदर, आप कंट्रोल कर सकते हैं. क्रूज कंट्रोल भी है कि एक बार ही आपने स्पीड यहाँ से ऑन कर दी, आप राइट हैंड छोड़ दीजिए, ये उसी स्पीड पे जाता रहेगा. सो क्रूज कंट्रोल भी है एंड देन अदर फंक्शंस विच आर ऑफ कोर्स देयर इन द यूज़र मैनुअल. चाबी यहाँ पे लगती है एंड बेसिकली ऑन कीजिए एंड जूम, गुड एनफ टू गो. जो मोटर है वो पिछले पहिए में आती है, 250 वॉट की है और जो उसकी बैटरी है वो कम्प्लीटली इस एरिया के अंदर आती है. चार्ज करना बहुत आसान है, देयर इज अ चार्जर दैट कम्स विद द व्हीकल एंड राइट साइड पे यहाँ पे आप चार्जिंग इसको कर सकते हैं. लगभग 3 घंटे लगते हैं फॉर अ फुल चार्ज एंड अगर आपकी ये पूरी चार्ज है और आप इतना तेज़ नहीं जा रहे तो ये कहीं ना कहीं 50 से 60 किलोमीटर की आपको रेंज देगी, विच इज़ मोर देन एम्पल. अगर आप इसको किसी ह्यूज बड़े कॉम्प्लेक्स में इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आप 2-3-4 किलोमीटर जाएंगे तो 50 किलोमीटर की रेंज बहुत अच्छी है. क्लेवर कहा था मैंने कि चीज़ ज़रूर क्लेवर है. तो आपके पास यहाँ पे नीचे एक USB स्लॉट भी आता है, आपको चार्जिंग करनी है फ़ोन की ऑन द मूव, आप वो भी कर सकते हैं. सो दिस इज़ नॉट रियली मेंट फॉर पब्लिक रोड जहाँ पे बहुत ट्रैफिक होती है, बिकॉज ऑफ कोर्स छोटी है तो विजिबिलिटी फॉर अदर्स कुड बी एन इशू. तो
आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप ओपन रोड्स पे इसको इतना इस्तेमाल कीजिए, बट इन कंट्रोल एनवायरनमेंट्स डेफिनेटली दिस इज समथिंग दैट कैन कम हैंडी इंटरनेशनली इन यूके, इन यूएस, इन अदर मार्केट्स. पर्सनल मोबिलिटी लाइक दिस इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर, लोग इस्तेमाल करते हैं. सो मैंने इस्तेमाल किया था द वर्ड पोर्टेबल. ये कैसे है? वेल, चार स्क्रूज खोल के आप सीट को साइड पे निकाल सकते हैं एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. अगर आपको सिर्फ खड़ो के चलानी है तो दिस हाउ इट लुक्स. बाय द वे, इसमें एक ऑप्शन होती है कि अगर आपको जब शुरुआत करनी है सिर्फ रेस देके करनी है, या अगर आप थोड़ा सा अपने पैर से पुश करेंगे ज़मीन को, विच इज़ कॉल्ड अ किक इन दिस वर्ल्ड, अगर आप पुश करेंगे अपने आप को तो इनिशियल लोड कम हो जाएगा. वो भी चीज़ आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं. सो सीट मैंने निकाल दी है, साइड से निकाल दिया है, यहाँ पे पैर रख के ज़रा इसको आप दबाएंगे ऐसे. यस, एंड दिस इज़ हाउ इट बिकम्स. पूरी फैट हो जाती है. यू कैन पिक इट अप एंड टेक इट टू एनी वेयर यू फील लाइक. तो इसके लिए, वीडियो के लिए, मैं इसको वापस खोलता हूँ. उसके लिए एक सेफ्टी लॉक होता है, उसको मैं दबाऊंगा यहाँ से एंड इट कम्स बैक टू लाइफ. द लॉक इज़ वेरी गुड. जतन ने इसके साथ हायर स्पीड्स भी की थी, इवन ओवर स्पीड, बिकॉज तो ये बिल्कुल भी हिलता नहीं. इज़ नॉट कि ये थोड़ा फिल्मजी है. मैंने पहले भी कहा था, दिस इज़ नॉट जस्ट अ इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना इंस्टेड इन इंडिया. कंपनी ने इस पर बहुत काम करा है. लॉट ऑफ पार्ट्स आर स्पेशली डेवलप्ड फॉर द इंडियन मार्केट इन इंडिया. सो फोल्ड करने के बाद आप इवन हैंडल बार्स को इसके फोल्ड कर सकते हैं वेरी इजी. यहाँ पे इसको लिखा भी हुआ है एरो के साथ. इसको दबाएंगे एंड यू कैन सी इट गोज डाउन. सो बोथ दी हैंडल बार्स, दे विल गो डाउन. ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा. इट विल बिकम वेरी कॉम्पैक्ट टू बी टेकन इवन इन द बूट ऑफ अ स्मॉल हैचबैक. इसके बाद आते हैं एक्चुअल राइड पे. अगर आप 50, 60, 70 किलो के हैं तो एक्सेलरेशन इसकी काफ़ी ब्रिस्क है. ये इसलिए है बिकॉज 250 वॉट की तो मोटर है, बट द वेट इज़ ओनली 17.5. तो इसका जो पावर टू वेट रेशियो है वो बहुत ही अच्छा है. तो इमिजिएटली आपको एक्सेलरेशन मिलती है. एंड अगर आप सीट पर नहीं बैठे हैं, खड़े होकर चलाते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं कि बैलेंस अच्छा नहीं होता है. इवन एट टर्न्स और ऑन सच टेरेन जहाँ पे ब्रिक्स यहाँ पे डली हुई हैं, जतिन ने बहुत राइड किया था एंड आई थिंक ही वॉज रियली इम्प्रेस. कुछ नर्वसनेस नहीं आती है इवन एट स्लो स्पीड या हाई स्पीड अगर टर्न करना होता है. एट द सेम टाइम अगर आप बैठ के चलाते हैं ऑन द सीट, सीट के खुद के भी स्प्रिंग्स हैं, तो इसकी सस्पेंशन है, सीट के स्प्रिंग्स हैं, तो द राइड इज़ नॉट रियली अनकम्फर्टेबल एट ऑल. मेरे ख्याल से किसी को कोई दिन में आधा एक घंटा भी चलाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली. सो इसके नेगेटिव्स क्या हैं? वेल, फॉर फर्स्ट, द मोमेंट यू से इसकी कॉस्टिंग इज़ 44,000 रुपीज़, आप सरप्राइज हो जाते हैं. बिकॉज हमारे मन में नोशन आता है इसको देख के एक साइकिल का, और साइकिल अच्छी साइकिल भी आजकल आती है 12-15-20 हज़ार रुपये मैक्सिमम. सो 44 सुनते ही यू डू फील सरप्राइज्ड. बट इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं मार्केट में एसी वाली, या तो वो इससे महंगी हैं, या उनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, या वो सर्टिफाइड नहीं है. जी हाँ, ये इंदौर में जो गवर्नमेंट की है ऑर्गेनाइजेशन नैटरैक्स, उससे दिस इज़ सर्टिफाइड फॉर सेल इन इंडिया विदाउट अ लाइसेंस. इसको अथॉरिटीज़ इसको टेस्ट कर चुकी हैं, दिस हैज़ पास द सर्टिफिकेशन. सो बिल्ड क्वालिटी है, एक प्रॉपर बैकअप है, सर्विस एंड सपोर्ट है इनके, इसको आपको हो जाता है. बाय द वे, कंपनी के डिटेल्स आर करंटली इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो, हाउ टू कॉन्टैक्ट देम, वहाँ पे उनके फ़ोन नंबर हैं, उनके लिंक्स भी हैं, तो यू कैन गो एंड टॉक टू देम फॉर मोर. सो इनिशियल प्राइस ज़्यादा है इज़ अ नेगेटिव, बट अगर आप देखते हैं कि मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है इतना अच्छा क्वालिटी वाला, देन इट इज़ अ गुड डील. प्लस जितना भी आप उसको इस्तेमाल करते हैं, दी रनिंग कॉस्ट इज़ एज लो एज पीनट्स. इसके जगह आप अगर आप कोई गाड़ी इस्तेमाल करेंगे या छोटा पेट्रोल स्कूटर भी इस्तेमाल करेंगे, या सस्ते से सस्ता 60-70 हज़ार रुपये वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर इस्तेमाल करेंगे, तो वो पोर्टेबल नहीं रहेगा. आप इसको यहाँ से वहाँ फोल्ड करके लेके जा सकते हैं. लाइट्स इसकी इतनी सफिशेंट नहीं है फ्रैंकली. सो ये प्योर नाइट राइडिंग के लिए या एक ओपन सड़क पर नाइट राइडिंग के लिए नहीं बना हुआ है, दैट इज़ अ नेगेटिव. तीसरा नेगेटिव मुझे ये लगा कि इसके जो टायर्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं. स्मूथ रोड पे दिक्कत नहीं है, बट खड्डों में जाते ही आपको कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं आता, बिकॉज टायर्स फ्रैंकली आर वेरी वेरी स्मॉल. बट उसके अलावा एज अ फंकी पोर्टेबल पर्सनल मोबिलिटी सोल्यूशन, आई थिंक इंडिया में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ द पैकेज, द फीचर्स एंड द कॉन्फिडेंस.